डिस्क्लेमर, फैमिली वीडियो नहीं है रे बाबा, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ होगा। अच्छा, तो तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा यहाँ पर अपनी गाय परवा रहा है। इसके जैसी माओ के ऊपर भी वैसे लानत ही है। और मैं क्या हूँ? तुम खोते की पुत्र हो, मैं बताता हूँ तुमको। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर वोटिंग की कि इस टाइम सबसे स्टूपिड कैरेक्टर कौन सा है जो हमारे दो बड़े ड्रामे हैं तेरे बिन और यहाँ पर मुझे प्यार हुआ था। इसके अंदर एक मीरब का कैरेक्टर है और दूसरी जगह पर माहिर का कैरेक्टर। तीसरे नंबर पर वैसे मैंने ऑडियंस को भी ऐड किया था जॉक के तौर पर, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उनको भी काफी वोट मिलेंगे। लेकिन भैया, हैरानगी वाली बात यह है कि यहाँ पर माहिर मीरब को भी काट जाती है। मीरब के कैरेक्टर से जितनी मैंने नफरत की है, शायद ही पास्ट में किसी कैरेक्टर को इतना मैंने हेट दिया हो। लेकिन भैया, लोगों ने कहा कि माहिर उससे भी ज्यादा स्टूपिड है। जब वोटिंग करवाई थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड देखकर यकीन हो गया कि वाकई भैया माहिर तो माह लेवल की स्टूपिड है। और लेटेस्ट एपिसोड में भी इसकी कुछ ऐसी हरकतें जिसको देखकर मेरा खून खुल गया और सोचा कि आज वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करें और ये भी कि इस ड्रामे का आगे से क्या फ्यूचर है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जरीज। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आइटम्स रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में पेंट कमेंट में भी। जल्दी से कुछ भी इंटरेस्टिंग बाय करके आप अपने घर वालों को और अपने मेहमानों को हैरान कर सकते हैं। PK Luxus, we don't sell crap. तो भाई स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अरीब घर के बाहर आकर फोन जैसे करता है कि जल्दी घर से बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। वे तू उदा प्यो लग दे, खोते के पुत्र तेरा रिश्ता क्या उसके साथ? ना तो उसका भाई है, ना तो उसका हस्बैंड है, ना तो उसका बाप है। तेरा ऐसा क्या रिलेशन कि तू एक लड़की को धमकाएगा? खुश होगी वहां? लोग कहते हैं आप सिर्फ लड़की क्यों के पीछे पड़े रहते हैं। भैया लड़के को भी बहुत सुनाता हूँ, आप लोग शायद गौर से रिव्यू नहीं देखते। तो माहिर की पहली बेवकूफी ये है कि भाई अगर तुम्हें कोई धमका रहा है, जबकि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि लड़कियों को चाहिए कि मतलब चाहे कुछ भी हो ना, उस लड़के को ब्लॉक करो, हर तरह से ब्लॉक करो, उसके हर नंबर को ब्लॉक करो। ये हमेशा उसका फोन उठा लेती है। अब अगर तुमने फोन उठाया, वो तुम्हें धमका रहा था, तुम उसको शट अप कॉल देती हो और फिर भी वो अगर फोर्स कर रहा है, तो तुम्हारे घर में जो भी लोग हैं, चाहे किसी को फॉलेज हुआ हुआ है, ऐसे में तुम्हारी बेतुकी माँ, चलो कोई भी बंदा घर में है, तुम उसको बताओ, उसकी इन्फॉर्मेशन में लाओ कि तुम क्या करने जा रही हो, बाहर क्यों जा रही। घर से बाहर निकलना ही गलत था और फिर उसकी ब्लैकमेलिंग में आ गई कि मैं खुद को मार लूंगा। अच्छा, इस सब के बाद तुम गाड़ी में बैठकर जा रही हो अपने हस्बैंड के ऑफिस में, वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया है। वहां पर जब फाइनली तुम अपने शौहर के सामने आ गई हो, तो तुम्हारा काम है कि सबसे पहले अरीब ने जो स्टूपिड हरकत की, जो इतना बुरे तरीके से तुम्हें लेकर आया, तुम अपने हस्बैंड को हक कर लेती और उसको कहती कि साथ ये मुझे जबरदस्ती लेकर आया, ये कह रहा था मैं खुद को मार लूंगा। इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए था। Isn't that make sense कि यहां पर माहिर चुप करके स्टूड खड़ी हो गई है वहां पर। अब अरीब कह रहा है कि कहो अपने हस्बैंड को कि वो तुम्हें तलाक दे। वाह भाई वाह, इन्ना तू रहंदा नहीं इत्थे जमीनी खुदा, तेरे इशारों पे दुनिया नाचे है। अच्छा, अब यहां पर माहिर का काम था कि माहिर सीधी सुनाती अरीब को, लेकिन बजाय वो अरीब को सुनाने के, वो यहां पर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है साद को। मेरी बात सुनो, क्या है मेरी सजा? मैं मसला हूं, मुझे बताओ मेरी क्या सजा है? तुम्हें छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दो। और आगे से कितनी बदतमीजी से कह रही है कि तुम होते कौन हो के मुझे खुद से अलग करने वाले कौन हो तुम दोनों। मतलब साद ने अपने हस्बैंड को भी रगड़ रही है, बिल्कुल वैसे ही साद को ट्रीट कर रही है जैसे ये अरीब को ट्रीट कर रही है। जबकि इस पॉइंट पर इसको अरीब के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, एटलीस्ट अब तुम्हारा हस्बैंड सामने है, डू समथिंग, कोई एहतजाज करो, कोई भोंको मुंह से बात। लेकिन नहीं, आगे से कह रही है, और मैं क्या हूं? तुम खोते की पुत्र हो, मैं बताता हूं तुम कौन हो। तुम एक ऐसी नैश हो जिसने अपने पीछे दो लड़कों को लगा के रखा है, यहां पर एक उसका अपना हस्बैंड और दूसरे नंबर पे वो आशिक जिसकी जान ये खुद भी नहीं छोड़ती। ना तुम ए साइड को क्लियर कर रही हो, ना बी साइड को क्लियर कर रही हो, तो ऑब्वियसली दोनों ही तुमसे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे ना। अगर तुम अपने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं भी मानती तो भी तुम्हारा कसूर है, तुम्हें कुछ एक डिसीजन लेना है। तुम उल्टा इन दोनों के ऊपर चढ़ाई कर रही हो कि तुम लोग होते कौन हो को मेरे ऊपर इस तरह से हुक्मरानी करने वाले। नंबर ब्लॉक करना अरीब का तुम्हें नहीं आता, उसके प्रेशर में आके उसकी जिंदगी को बचाने के लिए हमेशा आगे आगे तुम पेश होती हो, कसूरवार ठहरा देती हो हमारे बेचारे मासूम से साद को। शेम ऑन यू। वो कहेगा छोड़ दो तो छोड़ दोगे मुझे? उसको कहती है अरीब, तुम्हें कहेगा कि मुझे छोड़ दो तो तुम मुझे छोड़ दोगे? अच्छा, तो अरीब तुम्हें जो कहता है करती तो तुम खुद भी वो। तो बहुत ही घटिया रिएक्शन पहले तो इस पॉइंट पर हमारी माहिर का, और उसके बाद जिस तरह से बेचारी ढह जाती है वहां।
यहाँ पे, हाउ शेमफुल दिस, के यहाँ पर उसको अरीब पकड़ रहा है नीचे से, के मतलब जैसे तुम्हारी बेगम हो गई, तुम उसको उठाकर लेकर जाओगे हॉस्पिटल में, और साथ बेचारा मुंह देखता रह गया। दैट वॉज रियली स्टूपिड सीन। मतलब किसी भी हस्बैंड की ह्यूमिलेशन की ये आखिर है जो इस ड्रामे के अंदर दिखा दी गई है। अरीब करेक्टर इतना इरिटेटिंग हो गया कि मतलब लगता है कि इसने इस ड्रामे में मीरब का रिकॉर्ड तोड़ना, जबरदस्ती हाथ धो के पीछे पड़ गया है। पहले जा रहा है काउंटर पे खुद से प्यो बनने के लिए, वहां पर जाकर अपने कार्ड से पेमेंट कर रहा है। अबे इतना ही पैसा है तो अपनी सनकचड़ी कजन को देख के घर से भगा ना, जिसने पैसे की खातर सबको लटका के रखा हुआ है। बात तो सही है। और मतलब एथिक्स भी कोई चीज होते हैं कि तुम डॉक्टर से पहले जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और उसके हस्बैंड को बिल्कुल इग्नोर करवा रहे हो। बेचारा डॉक्टर पूछने पे मजबूर हो गया कि सब भाई ठीक तो आप कौन? बताओ बताओ ना, कुछ तो बताओ। फिर जान छोड़ ही नहीं रहे, उसके बेड के ऊपर आ गए हो, ऐसे मतलब क्लोज होने लग रहे हो कि शर्म भी कोई चीज होती है। यहाँ पर तुम उसके साथ किसी रिलेशन में नहीं हो और ना ही वो तुम्हें कोई वैल्यू दे रही है। शुक्र है यहाँ पर साद का नाम ले रही थी उठते हुए माहिर, नहीं तो इसने कहना था क्या अरीब कह रही हो। और फिर आती है यहाँ पर अरीब की ड्रामेबाज माँ के, भैया घर का भालू तेरे से संभाला नहीं जा रहा, और निकली है तो पूरी दुनिया को ताने देने। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ होगा, अच्छा तो तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा यहाँ पर अपनी परवा रहा है। इसके जैसी माओं के ऊपर भी वैसे लानती है जिनको दौलत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। और मैं राइटर को यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ। आज के दौर में कोई भी इतना कैटर नहीं करता कि किसी के घर में क्या चल रहा है। ये शरीफों का मोहल्ला है तो मतलब मोहल्ला कैसे जज करेगा कि अगर कोई आया है उसको पिक करने के लिए तो उसका उसके साथ क्या रिलेशन होगा? क्या यहाँ पर मोहल्ले वाले नोटबुक पकड़ के बैठे होते हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में कौन भाई है, कौन कजन है, कौन तुम्हारा शोहर है, और उसके अकॉर्डिंग क्या दूरबीन रख कर बैठे होते हैं कि भैया वो आपको बताएंगे कि अच्छा आपकी बेटी किसके साथ गई है और क्यों गई है। दैट वॉज रियली इनसेन सीन, इनफैक्ट मोस्ट स्टूपिड सीन मैं कहूंगा। मैंने टीजर में भी क्रिटिसाइज किया था और लेटेस्ट एपिसोड में भी जो सीन दिखा दिए गए मोहल्ले वालों की अथॉरिटी, मैं तो लिटरली रियल लाइफ में ऐसे देखना चाहता हूँ मोहल्ले वाले और मेरे पास हैं, मैं उन्हें चंडे मार के पूछूं कि हु द हेल आर यू टू आस्क मी। बात कर रहा हूँ इन एरियाज की, जो एरिया दिखाया गया है साद की फैमिली का। आई टोटली अंडरस्टैंड कि शायद बहुत छोटे लोअर मिडिल क्लास में छोटे छोटे गली मोहल्लों में शायद कुछ ऐसा होता हो, लेकिन जिस कैलिबर का ये ड्रामा है, जहाँ पर जिन सोसाइटीज़ में ये करेक्टर्स रह रहे हैं, वहाँ पर तो भैया दूर दूर तक भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। और सबसे ज़्यादा खून खोल देने वाला सीन था कि जिस पॉइंट पर आपको दिखाया जाता है कि इतनी अकड़ कर यहाँ पर माहिर की माँ कहती है, देख लिया मेरी बच्ची बीमार थी, इसकी वजह से वो घर से बाहर निकली थी। और साद नमूना ये देख रहा है कि उसकी माँ की और उसकी बहन की इंसल्ट हो रही है, वाकई अरीब घर से भगा कर निकला था मेरी बेगम को, मेरी माँ बहन सही कह रही हैं, बजाय कि वो काउंटर करे बताए के ससुरी सासू माँ मुख बंद रख, तेरी बेटी का आशिक मेरे घर से मेरी बेगम को भगा कर ही लेकर गया था। लेकिन नहीं भैया, आगे से इस तरह के विचार दे रहे हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं कि जैसे होए 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 कितनी ज्यादती होगी दोबारा से हमारी नन्नी मुन्नी काकी माहिर के साथ, और उसकी माँ तो बहुत ही हक सच पे बात करती है। ऐसे बेटों पे भी लानत ही हो कि जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर क्या स्टैंड लेना है। शरीफ इंसान जब हद से ज्यादा शरीफ हो जाए ना तो वो फिर वबाले जान बन जाता है, अपनी फैमिली के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी। और घर आते ही यहाँ पर माहिर का नाटक शुरू हो गया। रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारी बीवी हूं ना मैं। हाँ हाँ, तुम साथ की बीवी हो तो अरीब के साथ क्या अम्ब लेने गई थी? नहीं मतलब इसको कौन सा कीड़ा है जो सुकून लेने नहीं दे रहा, ये क्यों नहीं एक डिसीजन ले पाती? मेरा आप सब गर्ल से ये सवाल है कि क्या मुश्किल होता है किसी लड़के से जान छुड़वाना? आप सब गर्ल्स इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगी कि किसी लड़के से जान छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे, उसको ब्लॉक नहीं करोगे, उसको रिस्पॉन्ड करोगे, अगर उसकी दौलत को देख के या उसकी थोड़ी सी हैंडसम पर्सनैलिटी को देख कर आपकी मुँह से राले निकल आती हैं, तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, लाख एक्टिंग कर लो कि हाँ आई हेट यू, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी के चुंबल में घुसोगे। में माहिर साद को देखे कहती, तुम मेरी पत्नी कौन सी नेकी का सिला हो? वैसे मैं अगर साद की जगह होता ना तो आगे से कहता कि तुम पता नहीं मेरी कौन सी बुराइयों का अंजाम हो कि मुझे तुम्हें दिन रात झेलना पड़ता है। अब माहिर फिर से अपने साथ के साथ लव स्टोरी का टोपी ड्रामा रचा रही है और साथ में बांध कर रखेगी हमारे अरीब को भी, और वो घर तक आएगा, एक दफा फिर थप्पड़ की सूरत में आशीर्वाद लेकर जाएगा, लेकिन भैया वो भी जब तक अपनी बेगैरतियों की हद पार नहीं कर देता तब तक शायद सुकून में ना आए। सो वंस अगेन दिस ड्रामा बिकम टॉक्सिक, दैट्स व्हाई इट वाज
बिट क्रिटिकल रिव्यू, बिट नहीं बल्कि अलॉट क्रिटिकल रिव्यू। बट आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामे की आगे से स्टोरी कैसे चलने वाली है, क्या कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, या मतलब यही सारा कुछ चलता रहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट क्यू एंड ए वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।